हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ रीजनिंग। आज का जो हमारा रीजनिंग का टॉपिक रहने वाला है स्टूडेंट, तो काफी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है स्टूडेंट ये टॉपिक। ठीक है, रीजनिंग का टॉपिक जो है आज का रहेगा हमारा आकृतियों से संबंधित। आपके पेपर में आपको कुछ आकृतियां मिलती है, उनको आपको देख के बताना होता है इसके अंदर अगला नंबर जो है वो कौन सा आएगा। ठीक है, तो इन आकृतियों के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाला है। छोटा सा ही वीडियो रहने वाला है स्टूडेंट आपका। कोशिश करूंगी कि जिस टाइप के पेपर में आकृतियां आती हैं वो सारी हम इस वीडियो में कवर कर सकें। तो स्टूडेंट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और साथ ही साथ शेयर कीजिएगा वीडियो को ताकि सब तक ये जो है बेनिफिट पहुंच सके। तो देखो स्टूडेंट, मैं आपको दिखा देती हूँ हम कौन कौन सी आकृतियां जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये सारी आपके सामने जो आकृतियां हैं इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो आकृति है आपके सामने ड्रॉ कर रही हूं मैं, तो स्टूडेंट पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ चुका है। यहां पर देखो इस टाइप के क्वेश्चन काफी सारे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। देखो ये सारी आकृतियां कंप्लीट है, लेकिन इसमें क्वेश्चन मार्क है। यहां पर आपने क्वेश्चन मार्क वाला यानी कि मिसिंग नंबर आपने फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट आप कोशिश करोगे कि इसको हर टाइप से देखोगी कहाँ पे जो है ये सीरीज मैच करती है, ये और ये, जहां पर ये दोनों आपस में मैच की वही लॉजिक आपने यहां पर यूज करना है। पहले देखो इन दोनों को ऐड करके, ठीक है, देखो ये आता है या नहीं, नहीं आया। इन दोनों को ऐड करके देखो तब भी नहीं आता, इनकी मल्टीप्लाई करा के देखो तब भी नहीं आया। तो लास्ट में जो लॉजिक लगा, आप सारे लॉजिक इसके ऊपर लगा के देखना। मैंने सारे लॉजिक लगा के देखे तो मुझे पता लगा कि जो ये सीरीज है कैसे बनी हुई है, ये है सबका टोटल करने के बाद 8 + 12 = 17 + 52। इन सबको मैंने ऐड किया तो मेरा 89 आ गया। ठीक है, सेम एज इट इज इस आकृति के ऊपर भी मैंने ये लगाया, सेम टू सेम यही ट्रेंड जो है काम कर गया मेरा, यही वर्क किया। ठीक है, तो यहां पर इनको मल्टीप्लाई करा के मेरा 167 आ गया। तो एज सेम एज इट इज दोनों मिल रहे हैं, तो मैंने थर्ड के ऊपर भी यही अप्लाई कर दिया, 61 + 121 + 33 + 15। इन सबको ऐड करने के बाद स्टूडेंट मेरा आंसर आया 230। तो यानी कि यहां पर जो आएगा वो क्या आएगा, 230। इस टाइप के क्वेश्चन जो है स्टूडेंट इस वीडियो में करने वाले हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है स्टूडेंट हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपका डाल रही स्क्रीन पे, उसको देखिएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, सेम वैसा ही है जैसे पहले था। ठीक है, वहां पर आपका स्क्वायर दे रखा था, यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से दे रखा है। तो स्टूडेंट पहले लॉजिक लगाओ, 5 × 3 = 15 और 4 × 3 = 12। ठीक है, तो यानी कि ये सीरीज बनी 4 × 3 और ये बनी 5 × 3। अब बीच वाले का क्या लॉजिक, ठीक है, या तो इन दोनों को प्लस करो आंसर आना चाहिए, तो आंसर नहीं आ रहा, यानी कि ये लॉजिक फेल हो गया हमारा। कोई और लॉजिक लगाओ, इन सबको ऐड करो, इन सबको ऐड करने के बाद भी आपका 60 नहीं आ रहा। ठीक है, तो लास्ट में जो मैंने लॉजिक निकाला वो ये था, आप भी अपना लॉजिक निकालना, ये था 12 × 5 = 60, यानी कि इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कराती हूँ 60 आ रहा है, और इन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई कराती हूँ तब भी 60 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों नंबर का और इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई जो है वो बीच वाला नंबर आ रहा है, ये ट्रिक यहाँ फॉलो हुई। अब यहां पर भी करके देखते हैं, अगर यहां भी फॉलो हुई तो हम इसके ऊपर वही ट्रिक अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट यहां पर हम ट्राई करते हैं इसी ट्रिक को, 3 × 14 = 42, सेम एज इट इज 6 × 7 = 42, यानी कि ये ट्रिक यहां पर भी फॉलो हो रही है आपकी। ठीक है, तो यहां पर भी फॉलो होगी, यहां पर भी, तो हम यहां पर सेम लॉजिक लगा देंगे, 26 × 3 = 13 × 6, तो दोनों का जो आंसर है वो 78 होता है। ठीक है, तो यानी कि यहां पर जो मिसिंग नंबर था वो क्या होगा, 78। तो ये इस तरह से आपको सॉल्व करने हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आगे हम ब्रांच वाला क्वेश्चन उठाते हैं और उसके बाद ट्राइंगल वाला क्वेश्चन भी उठाएंगे इसी सीरीज के अंदर। यहां पर देखो स्टूडेंट हमने क्या यूज करना है, यहां देखो आपने इन नंबर का आपस में देखना रिलेशन क्या है। ठीक है, ये है 42 और ये है 39। ठीक है, ये तो बिल्कुल छोटा सा लग रहा है, देखो इजी सा लग रहा है, 9 और 2 = 11, ये आपका आ जाएगा 81। तो यहाँ 81 आ गया, सिंपल लॉजिक। अगर यही लॉजिक इसके ऊपर वर्क करेगा तो हम इसके ऊपर भी वर्क करा देंगे, बिल्कुल सिंपल सम है। देखो 22 और 36 कितना आता है आपका, 58, यानी कि लॉजिक काम कर रहा है। तो इसका मतलब हमारा अगले वाले का भी सेम लॉजिक रहेगा, है ना, तो अगले वाले का सेम लॉजिक रहेगा तो कितना बन जाएगा, 17 + 43, तो ये बन जाएगा आपका 60। ठीक है, तो ये इतने इजी होते हैं, कई बार ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, कई बार ये डिवाइड वाले होते हैं। ठीक है, बस इनका आपने पहले वाले का दूसरे के साथ रिलेशन देखना होता है। यदि आप पहले का रिलेशन दूसरे के साथ देख लेते हो तो थर्ड का रिलेशन जो है वो आप अपने आप इजिली जो है कर सकते हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं स्टूडेंट, बॉक्स वाले भी सम आते हैं कई बार। ठीक है, लेकिन बॉक्स से पहले एक और सम करवा दूं, काफी इंपॉर्टेंट टाइप है स्टूडेंट आपकी, वो भी काफी बार पूछी जाती है पेपर में।
तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपका पूछा जाएगा। यहाँ पर आपने ये मिसिंग नंबर जो है फाइंड आउट करने हैं, तो सबसे पहले हम इसके ऊपर लॉजिक देखेंगे, सभी टाइप के लॉजिक लगा के देखेंगे। तो लास्ट में जो मैंने लॉजिक देखा, आप भी खुद भी लगा के देखा करो लॉजिक इसका। तो मैंने जो लॉजिक लगाया वो ये देखा कि जो छोटी संख्या है ना उसको 2 से मल्टीप्लाई कराओ और इसी छोटी संख्या को 5 से मल्टीप्लाई कराओ, तो आपके दोनों आंसर आ जाएंगे। यही लॉजिक हमने इसी के ऊपर देखा, छोटी संख्या 13 ठीक है, तो ये यहाँ भी फॉलो किया, यहाँ भी सेम एज इट इज। यहाँ पर छोटी संख्या क्या है 15, 15 को 2 से मल्टीप्लाई कराओ और 15 को 5 से मल्टीप्लाई कराओ, ये तो आ गया 75 जो कि ऑलरेडी है यहाँ पर। ये यह आएगा आपका 30, यानी कि यहाँ पर क्या आंसर आएगा आपका 30, जो कि ऑप्शन में भी है ठीक है। तो ये इस टाइप के छोटे छोटे से क्वेश्चन है स्टूडेंट। अगली टाइप देखते हैं हम और किस टाइप का क्वेश्चन जो है इसमें से पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके पास सामने दिया गया स्क्रीन पे, इसको आपने खुद सॉल्व करना है और मुझे बताना है। क्या देखोगे आप, इन दोनों का जो रिलेशन होगा ठीक है, इन दोनों का रिलेशन होगा जो ठीक है आंसर आया ये, उसके बाद जो रिलेशन इनका है वही रिलेशन आपका ये मिलेगा। आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ, इन दोनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कराओ, डिवाइड कराओ, माइनस कराओ, प्लस करवाओ, फिर उसका 1/3 देखो, 1/2 देखो, तो जो भी लॉजिक आपको लगेगा आपने वो इस पे लगाना है। ये साइड में ऑप्शन लिखे हुआ स्टूडेंट, तो आपने इसको सोल्व करना है और सोल्व करके मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है स्टूडेंट ठीक है। वीडियो को आपने देखना है पॉज कर करके ठीक है, और साथ ही इन क्वेश्चनों का आंसर देना भी है आपको। अगर आप बड़े सीरियसली स्टडी कर रहे हो तो इन क्वेश्चंस को साथ के साथ जो है वो सॉल्व करो। साथ ही ये क्वेश्चन और दे रही हूँ आपको ट्राई के लिए यहीं पर। तो यहाँ स्क्रीन पर देखो स्टूडेंट, आपके पास जो क्वेश्चन दे रखा है सामने, ध्यान से इसको देखो। यहाँ पर आपको मैंने दो टाइप ऐसे से सेम क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए ठीक है। तो आपने यहाँ पर देखो, मैंने कॉप कर रखा है यहाँ पर, इसको पॉज किया हुआ है, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, और इन दोनों के आंसर आपने कमेंट बॉक्स में जरूर देने हैं, और साथ साथ इनको ट्राई करना है। अगली टाइप की तरफ चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। यहाँ पर देखो स्टूडेंट क्वेश्चन है हमारा, जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं हमारे माइंड में सिर्फ एक पाइथागोरस आता है ना। पाइथागोरस से हम क्या करते थे, आपने पढ़ा होगा लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार ठीक है। तो हम इसको क्या कहते थे, आधार कहते थे, इसको बोलते थे कर्ण, ये बड़ा होता था ठीक है, और इसको बोलते थे लंब ठीक है, हाइट होती थी, और ये आपका बेस होता था, और ये क्या होता था हाइपोटेंस। तो देखो स्टूडेंट्स हम इसको किस तरह से सोल्व करते हैं हम ठीक है, हम इसको कैसे करते थे कि कर्ण का स्केयर इज इक्वल टू लंब का स्केयर प्लस आधार का स्केयर, ये फॉर्मूला हम यूज करते थे ठीक है। और हमें ये जो थे ना स्केयर इतने याद थे, हमें पता होता था कि अगर एक 3 दे रखी है तो दूसरी 4 है, एक 3 दे रखी है दूसरी 4 है तो तीसरी 5 होएगी। इस तरह से आपके टीचर्स ने आपको इनको अच्छे से करवा रखा होगा ठीक है। सेम एज इट इज ये वाला पेयर भी सबको याद होता है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर भी आपको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर लंब निकालना है। तो लंब निकालने के लिए क्या करोगे, करण स्केयर माइनस आधार का स्केयर जो आएगा उसका स्केयर ठीक है। तो वो देखो उसके अकॉर्डिंग जगह हम इसको सोल्व करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या आंसर जो है आपका निकलने वाला है। यहाँ पर हम वही फॉर्मूला लगाएंगे पाइथागोरस, तो यहाँ पर आएगा आपका करण का स्केयर यानी 17 का स्केयर इज इक्वल टू लंब का स्केयर, तो आपने फाइंड आउट करना है ठीक है, प्लस 15 का स्केयर यानी कि आधार का स्केयर। अब आपके पास आपने ये तो फाइंड आउट करना है, ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा ठीक है। अब यहाँ पर इसको सोल्व करोगे स्टूडेंट्स, आप इसको सोल्व करके देखना, सोल्व करने पे आपका जो ये आंसर आएगा ये आएगा 64 इज इक्वल टू एल स्केयर, और एल क्या आएगा आपका अंडर रूट, ये स्केयर जो होता है इसका अंडर रूट बन जाता है 64, और एल जो आएगा आपका 8 × 8 होता है ये ठीक है, यानी कि 8 स्केयर, स्केयर से स्केयर रूट कैंसर, तो एल की वैल्यू आपकी 8, यानी कि ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर आंसर क्या आएगा 8 ठीक है। जिन बच्चों को इनके रूट्स याद हैं वो तो डायरेक्टली आंसर का इसका सोल्व करके आ चुके होंगे ठीक है। तो एक आधी टाइप और है इस वीडियो में पढ़ेंगे हम। तो स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन आपने बहुत से देखे होंगे एग्जाम्स में, बहुत से, और मोस्टली बहुत इजी सी जो सीरीज है वो पूछी जाती है स्टूडेंट। ये तो थोड़ा फिर भी लॉजिकली सा है, पेपर में बहुत ही इजी पूछा जाता है। तो स्टूडेंट आप यहाँ तो इस लाइन का आपस में रिलेशन देख लिया करो, या इस लाइन का रिलेशन देख लिया करो। यहाँ पर जो मैंने रिलेशन देखा है स्टूडेंट वो इस तरह से देखा है मैंने, जो आपका है इस क्वेश्चन का, मैंने ये देखा 7 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कराया ठीक है, और कितना बन जाएगा 21 ठीक है, 21 में 8 को प्लस कर दिया तो 29 बन गया, यानी कि इन तीनों के रिलेशन से मेरे को कौन सा नंबर मिल गया,
ये वाला नंबर मिल गया, ठीक है। 7 3 21 प्लस 8 कर दिया, सेम एज इट इज स्टूडेंट, यहां पर भी वही लॉजिक लगाना पड़ेगा। 4 को 3 से मल्टीप्लाई कराओ, ठीक है, प्लस 7 कर दो, ठीक है। 4 3 12 प्लस 7 तो ये 19 बन गया। तो स्टूडेंट सेम यही लॉजिक यहां लगाएंगे, जो मिसिंग है उसको मैं मान लेती हूँ कुछ। देखो मेरा लॉजिक क्या होना चाहिए था, 5 मल्टीप्लाई दिस नंबर, अब दिस नंबर तो मुझे पता ही नहीं, तो मैंने x ले लिया, ठीक है, तो x ले लिया यहां पर, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई x ले लिया, जो नंबर मुझे पता ही नहीं है, ठीक है। तो अब 5 मल्टीप्लाई प्लस बीच में हमने क्या करना होता है, 6, तो किसके इक्वल आता था ये, लास्ट नंबर के, 31 के इक्वल, ठीक है। तो 5 x यानी कि 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 31, और 5x इज इक्वल टू 31, 6 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। तो यहां से आपने जो है x की वैल्यू है सोल्व कर लेनी है, ठीक है। तो यहां पर आपकी जो वैल्यू आने वाली है वो आएगी 5x इज इक्वल टू 25 और x इज इक्वल टू 25 बाय में 5 यानी कि x 5। तो यहां पर जो आपका नंबर रहने वाला स्टूडेंट वो क्या रहेगा, 5। तो ये कुछ टाइप्स हमने पढ़ी है स्टूडेंट, इससे रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन पक्का आता है स्टूडेंट, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट में यही कहूंगी, आप साथ साथ तैयारी कीजिएगा और साथ ही साथ जो ये बेसिक है अपना मैथ्स वगैरह है इसको अच्छे से क्लियर करते जाइएगा, बाद में जो आपको काफी दिक्कत आती है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, साथ ही साथ शेयर करना जरूर भूलना मत आप बिल्कुल भी, ठीक है। जिन बच्चों को इसके बारे में जानना चाहिए, नॉलेज लेनी चाहिए, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचना चाहिए। अगले वीडियो में स्टूडेंट ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।